नमस्कार, मैं साली धारवे। परिवहन सेवा समिति द्वारा परिवहन सेवा अपना दारी इस अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस अभियान की शुभारंभ आज आमदार क्षितिज ठाकुर द्वारा ओल्ड विवाह कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर की गई। आज इस उपक्रम का पहला दिन है जो कि वसई से शुरू होने वाला है। ये उपक्रम आप देख सकते हो, दूसरा दिन यानी 20 तारीख को नाला सोपारा में ये उपक्रम किया जाएगा। शाम 5 बजे अचोले तालाब, शाम 6 बजे तुलिंज पुलिस स्टेशन, शाम 7 बजे प्रगति नगर और 8 बजे नाला सोपारा डेपो में ये उपक्रम चलाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि तीसरे दिन यानी 21 जनवरी को भी ये उपक्रम विरार में चलाया जाएगा। विरार के अलग अलग जगहों पर उपक्रम लिया जाएगा, जैसे कि बोलिंज नाका पर। आपको बता दें कि इस उपक्रम में ये जो बस चलाई गई है, इस बस में जो समिति के सभापति है, इसी के साथ जो समिति के जो मेंबर्स है वो इस बस में बैठे रहेंगे। और जो नागरिक है वसई विरार की, उन्हें कितनी परेशानियां हो रही है परिवहन वाहन को लेकर, वो शिकायत कर सकते हैं। जानते हैं इस पूरे विषय पर परिवहन सेवा समिति सभापति कल्पक पाटिल ने क्या कुछ कहा है। क्षितिज दादा ठाकुर के अध्यक्ष में ये आज इसका ओपनिंग हुआ है, शुभारंभ हुआ है। ये सेवा लोगों की समस्या सुनेंगे, समस्या नहीं बोल सकते, हम लोग उनकी सूचना और उनकी जो मांगनी है उसके ऊपर हम जल्द से जल्द उसका विचार करके, बस बढ़ाना है या बस की फेरी बढ़ानी है उसके ऊपर हम उसके निर्णय लेके जल्द से वो सेवा अच्छी से देने की कोशिश करेंगे। आज वसई ईस्ट और वेस्ट में जाएंगी। कल 20 तारीख को ये नाला सोपारा में रहेगी और 21 तारीख को विरार में। अपने आगे इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोसीजर चालू है, उसका कार्यादेश हो चुका है। आने वाले कुछ महीनों में वो भी अपने वसई विरार शहर महानगर पालिका में उसको दाखिल हो जाएगा।